गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस समय लॉकडाउन से परेशान हैं, लेकिन इसमें बहुत परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। हमें अपने शेड्यूल्ड वर्क की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इस रेफरेंस में मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इसके ये सिलेबस और उसके बारे में डिस्कशन के लिए चार्ट तैयार किया हूँ। कुछ प्राइमरी चीजें शुरुआत कर दी जाए। जैसा कि इधर आप देख सकते हैं, इस सेगमेंट में सिलेबस दिया गया है बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बायोलॉजी थ्योरी, इसका कोड होता है 044। इसमें आपके पांच यूनिट्स हैं। इन पांचों यूनिट्स में मार्क्स का डिवीजन इस तरह से है, इंट्रोडक्शन पहला यूनिट, दूसरा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलबींग, फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, फिफ्थ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 14 मार्क्स फर्स्ट के लिए, सेकेंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के लिए 18 मार्क्स, थर्ड यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलबींग के लिए 14 मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के लिए 10 मार्क्स। एक बात यहां मैं विनोद करना चाहूंगा कि ये जो इस समय वैश्विक महामारी कोरोना जो नाम आया है, इसमें बहुत ज्यादा इस बायोटेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है। लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 14 मार्क्स का, ये टोटल 70 मार्क्स के हैं। इन सारे यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट हमारा जो है वो रिप्रोडक्शन है, और इस रिप्रोडक्शन में हमारे चार चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है जिसमें कि हम एक समरी लेंगे तमाम तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लाइफ स्पान की बात होगी। सेकंड और थर्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिसमें कि ग्रेजुअली प्लांट और एनिमल में स्पेशली ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्शन की बात है। फोर्थ यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारा फर्स्ट यूनिट, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देयर विल बी ए जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, what are the different types of the reproduction, sexual reproduction, asexual reproduction, vegetative propagation, what are their differences and how they are the useful, what are their advantages in the life of the different types of the organism, how that different type of the lower and higher organisms are evolved and they have changed the pattern of the reproduction. We should be discussing that next video. Good day.